दोस्तों, आज की ये छोटी कहानी आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार एक इंसान जंगल से जा रहा होता है, तभी उसे प्यास लगती है। पास बहने वाली नदी के पास जाकर के वो पानी पीता है। वापस आ रहा होता है तो देखता है कि एक गीदड़ वहाँ पास ही बैठा हुआ है। देखता है कि गीदड़ बड़ा लाचार, बड़ा कमजोर, बूढ़ा सा है, शायद चल फिर भी नहीं सकता। वो इंसान सोचता है कि जब ये चल फिर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो ये अभी तक जिंदा कैसे है। तभी अचानक एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। वह व्यक्ति पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि शेर अभी ताजा एक शिकार किए हुए जानवर को मुंह में दबोचे उधर आ रहा है। पर शेर आता है और शायद शेर का पेट भरा हुआ था, उस शिकार को गीदड़ के सामने डालकर चला जाता है। गीदड़ मजे से उसे खाता है। इंसान नीचे उतरता है और सोचता है कि वाह, भगवान की लीला तो अपरंपार है, भगवान सबकी मदद करते हैं, इस लाचार गीदड़ की भी कर रहे हैं। फिर वो सोचता है कि जब भगवान सबकी मदद करते हैं तो मेरी भी जरूर करेंगे, और मैं तो वैसे भी भगवान का बड़ा भक्त हूँ। वहीं नदी के किनारे एक चट्टान पर बैठ जाता है और भगवान की पूजा पाठ करने लगता है। एक दिन बीत जाता है, दो दिन बीत जाता है, कोई नहीं आता। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगती है, मगर अब ये भक्त भी हठ धर लेता है कि भगवान ऐसे कैसे मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं तो उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। और यूँ करते करते कुछ दिन में वह व्यक्ति गुजर जाता है। जब ऊपर भगवान के पास पहुँचता है तो भगवान से अपनी निराशा जाहिर करता है कि भगवान, मैं आपका इतना बड़ा भक्त था, आपकी सेवा की, आपके भजन किए, आपका कीर्तन किया, आपने उस गीदड़ की भी रक्षा की मगर मेरी नहीं की, ये कैसी लीला भगवान। भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें उस जंगल में किसने भेजा? मैंने। तुम्हें प्यास किसने लगाई थी? मैंने। तुम्हें नदी पर किसने भेजा और तुम्हें वो गीदड़ भी किसने दिखाया? मैंने। मैंने तुमसे ये सब करवाया था, मगर अफसोस, मैंने तुम्हें उस जंगल में शेर बनने के लिए भेजा था कि जब तुम्हारी अपनी इच्छाएं पूरी हो जाए, अपने लिए तुम कमा लो, तो जो लाचार हैं, जो बूढ़े हैं, उनकी तुम मदद कर सको। मगर तुम तो गीदड़ बनकर आ गए। तुम्हारे हाथ पांव सलामत होते हुए भी तुम दूसरों से आस लगाए बैठे रहे कि वो तुम्हारी मदद करेंगे, जबकि मैंने तुम्हें स्वयं सक्षम बनाया था कि तुम खुद भी कमाते और दूसरों को भी शायद खिलाते। इंसान सोच विचार में पड़ गया। और दोस्तों, यही हमारे जीवन की कहानी है कि भगवान ने किस्मत की रेखाएं तो हाथ में लिखी हैं, पर इन रेखाओं से पहले भगवान ने हमें उंगलियां दी। इन उंगलियों से मेहनत की चाबी पकड़कर जब आप किस्मत का ताला खोलेंगे ना, जरूर खुल जाएगा। ऑल द बेस्ट। शेर बनिए, गीदड़ नहीं।